व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको देने लगी हूँ इन मैश बैग्स का रिव्यू। इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट साइजेस के मैश बैग्स के बारे में आपको बताया था, उनके यूसेज के बारे में बताया था कि ये अच्छे से स्पिन नहीं हुई है। जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि यही होगा कि जब एक तरफ का सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो मशीन जो है वो स्पिन नहीं कर पाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हैवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको देने लगी हूँ इन मैश बैग्स का रिव्यू। इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट साइजेस के मैश बैग्स के बारे में आपको बताया था, उनके यूसेज के बारे में बताया था और कहाँ से मैंने ये परचेज़ किया है वो सारा मैंने आपको डिटेल में बताया था। आप चाहें तो इस मेरी वो वीडियो जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करने लगे हैं, आज की वीडियो में मैं इसके अंदर फैंसी जो मेरे क्लोथ्स हैं वो मैं इसके अंदर वॉश करूंगी, इसका रिव्यू दूंगी। वैसे तो मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ बहुत अच्छा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों तक रिजल्ट लाने से पहले खुद भी यूज़ करना होता है और डिफरेंट तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है। हर साइज़ के मैंने यूज़ करके देख लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, आला क्वालिटी है और अभी तक इसकी जिप लॉक जो है मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि यहाँ से जिप कॉर्नर से जिप निकल जाती है, तो इसका जिप लॉक जो है ये बहुत अच्छा दिया हुआ है जिससे जिप नहीं निकलेगी और ना ही ख़राब होगा। और आप देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग वगैरह भी बहुत अच्छी और पायदार है। आपको यही बताने का मेरा मकसद था कि अपने तौर पर मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। मैश बैग के अंदर मैंने जो क्लोथ्स के जो बने होते हैं शूज़ वो भी मैंने इसके अंदर वॉश किए हैं, मैंने सॉक्स भी वॉश किए हैं, लिंजरे हो गया, रुमाल हो गए और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें या फैंसी चीजें जो है वो हम इसके अंदर डालकर वॉश कर चुके हैं। अब मैं इसके अंदर क्या डालने लगी हूँ, ये मेरा फैंसी ड्रेस है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें धागे हैं, इसमें मोती भी हैं, इसमें टसल्स भी हैं, इसमें बटन्स भी हैं। अक्सर ये होता है कि हमें डर होता है कि भाई अगर हम फैंसी कपड़े इसके अंदर डालें तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़ों के अंदर से भी आप देखते हैं तो बहुत सारे नग वगैरह छोटे छोटे से लगे होते हैं, उनके भी निकलने का डर होता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर निकलकर उसके अंदर ना चले जाए, खराब हो सकती है मशीन। तो इस डर को दूर करने के लिए आप इस तरह के मैश बैग्स ले सकते हैं और उसके अंदर भी कपड़े आप वॉश कर सकते हैं। तो आज मैं उसके सामने आपके सामने जो है इसके अंदर ये डालूंगी। ये मेरी शर्ट है। अच्छा, ज़्यादातर जो है आपके इस तरह के कपड़े वो वॉश नहीं होते, ये चूँकि मैंने काफ़ी टाइम इसको पहन लिया है इस वजह से मैं इसे वॉश करने जा रही हूँ, क्योंकि जो इस तरह के हैंगआउट वाले कपड़े होते हैं वो हर दफ़ा नहीं वॉश होते हैं। जब तक कि आप उसको 4 से 5 दफ़ा ना पहन लें या उसके अंदर कोई खाना वाना जब आप खा रहे हो ना गिर जाए तब तक आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको ईजिली बैग के अंदर रख कर आप इन फैंसी सूट्स को हैंग कर सकते हैं अपनी कबर्ड के अंदर। तो ये मैं अब इसके अंदर वॉश कर रही हूँ क्योंकि शादियों का सीज़न है तो काफ़ी मैंने पहन लिया है ये ड्रेस। ये मैंने मैश बैग के अंदर डाल दिया इस ड्रेस को और मैं इसकी ज़िप भी मैंने इसकी बंद कर दी है और आप ये देख सकते हैं साइज़ इसका बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से जो मेरा ड्रेस है वो इसके अंदर आ चुका है। अब मैं इसको मशीन के अंदर डालूँगी। आप ये देख सकते हैं हमारी मशीन का ड्रम खाली है, ये मैश बैग मैं इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, डिटर्जेंट जो है वो यूज़ करूंगी मैं लिक्विड वाला, क्योंकि मेरे ख्याल से ये फैंसी जो क्लोथ्स हैं इनके लिए अगर लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ हो तो वो ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो भी बस इसके अंदर मैं यूज़ करने जा रही हूँ लिक्विड डिटर्जेंट। चूँकि एक ही सूट है तो 1 कैप आई थिंक सो इनफ होगा। ये 1 कैप मैंने ले लिया है और ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। मेन स्विच मैंने ऑन कर दिया था, पावर बटन ऑन किया। पावर बटन ऑन करने के बाद मैं जो है इसे डेलिकेट फंक्शन पे इसे रखा है, डेलिकेट फंक्शन पे मैंने इसे लो पे रखा है और 2 टाइम जो है रिंस है, मैं इसका 1 टाइम कर रही हूँ। 1 टाइम जो है रिंस इनफ होता है। इसका स्पिन टाइम मैं इसका इंक्रीज कर रही हूँ 7 मिनट्स और ये वॉश रिंस स्पिन इसको 2 टाइम जो है वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया, ये पानी लेगा। अब आप देख सकते हैं वाटर लेवल है लो, सॉक टाइम मैंने ऑफ किया हुआ है, रिंस 1 टाइम रखा है मैंने, स्पिन टाइम मैंने इसका इंक्रीज कर दिया है 7 मिनट और वॉश रिंस स्पिन ये 3 फंक्शंस होंगे 31 मिनट, यानी कि आधे घंटे के अंदर आपका ये डेलिकेट फंक्शन पर वॉश हो जाएगा। तो व्यूवर्स मशीन जो है हमारी इस वक्त है वॉश पर। तो अब हम आपको मिलेंगे इसके वॉश रेंज और स्पिन साइकिल के बाद, और मैंने इसको यहाँ डेलीकेट फंक्शन पर लगा रखा है। तो मिलते हैं इस पूरे प्रोसेस के बाद, आप वीडियो से जुड़े रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके साथ ही आपको मैश बैग का रिव्यू भी मिलेगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैश बैग के अंदर ही है कपड़े और बहुत अच्छे से जो है वो वॉश हो रहे हैं। इसमें जो मेन आपको देखना है वो ये देखना है कि मैश बैग जो है क्या वो एक जगह ड्रम के इकट्ठा हो जाता है, वो स्पिन कैसे करेगी मशीन। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि मशीन के अगर एक तरफ जो है वो इकट्ठा हो जाता है सारा कपड़ा तो भी मशीन जो है हमारी वो स्पिन नहीं कर पाती है। तो मैश बैग के रिव्यू में इसमें आपको देखना ही यही है कि मैश बैग के अंदर चूँकि कपड़ा एक साथ जो है मैश बैग के अंदर आ गया है तो मैश बैग से किस तरीके से जो है आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मशीन ने डिटर्जेंट वाला जो पानी है वो ड्रेन तो कर दिया लेकिन वो स्पिन नहीं कर पाई मशीन। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये अच्छे से स्पिन नहीं हुई है। जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि यही होगा कि जब एक तरफ सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो मशीन जो है वो स्पिन नहीं कर पाएगी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो व्यूअर्स करेंगे ये कि जब ये वन टाइम जो है रिंस हो जाएगा, वन टाइम रिंस होने के बाद मैंने स्पिन जो है इसका बिल्कुल जो है रखा है। वैसे तो ये मशीन स्पिन नहीं करेगी, स्टॉप हो जाएगी, तो मैं इसको स्पिन को जो है ऑफ ही कर देती हूँ और खाली रिंस पे रहने देती हूँ। यानी कि एक दफ़ा रिंस कर ले, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो इसको 2 टाइम भी जो है वो रिंस पे आप लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद चूंकि ये फैंसी कपड़े हैं, फैंसी कपड़ों को तो आपको स्पिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि आपने ऐसा नहीं करना कि बस अभी कपड़ा वॉश हो जाए और अभी आपने पहन के फंक्शन में जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप तो हैंग आउट करने रख दे, जब ये अच्छे से वॉश हो जाए रिंस हो जाए उसके बाद आप उसे हैंग कर लें और ये 1 या 2 दिन के अंदर आपके कपड़े ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे अच्छे से। तो बस हम ये इसको यहाँ पर लो, वाटर लेवल लो पर हम इसको रिंस पे रख दिया है। स्पिन मैंने यहाँ पे इसका ऑफ कर दिया है। 5 मिनट दिखा रहे हैं, 5 मिनट में जो है मशीन इसके अंदर पानी डालेगी और इसको रिंस कर देगी। तो व्यूवर्स वॉशिंग मशीन जो है अब वो रिंस पर आ रही है, लेकिन वेट जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो कहेंगे नहीं हमने तो जो है वो स्पिन करना ही करना है, तो फिर हम कैसे करें। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी क्राइटेरिया। तो मिलते हैं इतने रिंस के बाद। ये देखें इतना गंदा पानी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फैंसी ड्रेस था, इसमें जस्ट थोड़ी सी डस्ट ही होगी क्योंकि आप इतने गंदे कपड़े नहीं होते, ना इसमें पसीने की बू होती है ना कुछ होता है, क्योंकि फैंसी ड्रेस के नीचे भी आपने काफी कुछ पहना होता है, बॉडी शेपर वगैरह, उसकी वजह से भी आपके ये जो फैंसी ड्रेसेस हैं वो थोड़े से सिक्योर हो जाते हैं गंदे होने से। अब ये रिंस होंगे, 1 टाइम में जो है वो रिंस अच्छे से हो जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप 2 टाइम रिंस पर लगा सकते हैं। मैं 1 टाइम के लिए बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। 1 टाइम में क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है मशीन में, तकरीबन 2 बकेट के अकॉर्डिंगली, जब आप लो वाटर लेवल लो रखते हैं तो भी आपकी 2 बकेट होती हैं फुल, उसके अकॉर्डिंगली पानी वॉशिंग मशीन के अंदर होता है। तो आई थिंक सो उस पानी के अंदर बहुत अच्छे से कपड़ा रिंस हो जाता है, यानी कि जितना भी डिटर्जेंट होता है वो निकल जाता है। और आई थिंक सो इसमें सबको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए क्योंकि पानी का हम ज़िया कम से कम करना है, बिजली भी हमने कम से कम जो है वो बचानी है। तो बस अब मैं इसको आपको स्पिन करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने स्पिन करना है, फिर उसके बाद हम उसे बाहर हैंग आउट करेंगे। मिलते हैं इसके रिंस होने के बाद। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन रिंस कर चुकी है, लेकिन चूंकि हमने स्पिन ऑफ किया था तो इस वजह से जो है मशीन ने वो रिंस नहीं किया। अब हम इसे स्पिन ऑनली पर लगा दें और स्पिन ऑनली पर ये सारा पानी निकल जाएगा। तो व्यूअर्स अब इसको स्पिन करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखें बहुत अच्छे से जो है वो रिंस भी हो चुके हैं कपड़े हमारे। अब इसे स्पिन करने के लिए हमें करना ये होगा कि हमें मैश बैग के अंदर से कपड़ों को निकालना होगा, क्योंकि एक जगह इकट्ठे होने से मशीन हमारी स्पिन नहीं करती। ये ट्राउज़र, ये शर्ट और ये दुपट्टा और ये मैश बैग भी, ये देखें, ये मैंने ड्रम के राउंड अबाउट इसको कर दिया है और ये मशीन को करने लगी हूँ स्टार्ट, ताकि मशीन जो है अब इसको करेगी स्पिन। आपने यही करना है क्योंकि मशीन जो है वो स्पिन नहीं करती। वॉश और रिंस के बाद आपने इसी तरीके से स्पिन कर लेना है और स्पिन के लिए मशीन को पॉज करने के बाद फिर आप मैश बैग के अंदर से निकालेंगे कपड़ों को और उसके राउंड अबाउट लगाएंगे तो फिर मशीन बहुत अच्छे से आपके कपड़ों को स्पिन करेगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने बहुत अच्छे से इसे देखा होगा कि मैश बैग का रिव्यू मैंने आपको दिया है। मैश बैग में चूँकि एक जगह कपड़े डलने की वजह से मशीन स्पिन नहीं करती, लेकिन वॉश और रिंस ज़रूर कर लेगी। इनके लिए आपको यही करना है कि मशीन पॉज करके मैश बैग के अंदर से कपड़े निकाल कर उसे स्पिन कर लें, क्योंकि वॉश और रिंस के दौरान ही आपको ख़तरा होता है कि उसके अंदर के धागे या उनके अंदर के टसल्स या बटन्स वगैरह जो है वो मशीन के अंदर से निकल कर इधर उधर लग जाएँ। लेकिन जब आपकी वॉश और रिंस का प्रोसेस हो जाए उसके बाद फिर आप इसके मशीन के राउंड अबाउट मैश बैग के अंदर से निकाल कर आप इसको अच्छे से स्पिन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मशीन हमारे कपड़े जो है वो स्पिन कर चुकी है। मैंने पावर बटन ऑफ़ कर दिया है, मेन स्विच बटन, और आप ये देख सकते हैं ये वो मैश बैग है जिसमें हमने कपड़े अपने डालकर वॉश किए थे। और देख सकते हैं आप, इसमें किसी किस्म का कोई टसल वगैरह या कोई धागा मौजूद नहीं है। अब हम इन कपड़ों को निकाल कर बाहर हैंग आउट करेंगे। अब मशीन को भी मैं ये निकाल रही हूँ, कपड़े आप देख लें, अंदर किसी भी किस्म का टसल वगैरह नहीं है मौजूद। तो व्यूअर्स, ये मेरे देखें कपड़े जो है बहुत अच्छे से, फैंसी ड्रेस जो है मेरा वॉश हो चुका है और स्पिन भी हुआ है, तो इस वजह से कोई टपक टपक नहीं है कपड़ों की अंदर। अगर आप स्पिन ना भी करना चाहें, जैसे फिर भी आपको डर लगता है कि नहीं मेरे सीक्वेंस वाले हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेस स्पिन करूँगी तो निकल जाएंगे वो सीक्वेंस वगैरह जो भी ड्रेस के अंदर लगे हुए हैं, तो आप स्पिन ना करें। आप बस वॉश और रिंस करने के बाद आप इस तरह से हैंग आउट कर लें। एक दिन के अंदर आपका ड्रेस अच्छे से ड्राई हो जाएगा। चूँकि स्पिन हो गया है बहुत अच्छे से, तो 1-2 घंटे के अंदर ये जो ड्राई हो जाएगा उसे प्रेस करके मैं कपबोर्ड के अंदर, बैग के अंदर डालकर इसे रख दूंगी। और ये हमारा मैश बैग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर फ़ौरन से ड्राई हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जिप लॉक बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कोई किसी किस्म की कोई इसे ख़राबी नहीं हुई है और बहुत अच्छे से हमारा मैश बैग भी क्लीन हो गया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।